पहाड़ों की रानी मसूरी में यातायात व्यवस्था ठीक ठाक तरीके से चलती रहे, इसके लिए तकरीबन 32 करोड़ की लागत से एक मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण करवाया गया था, लेकिन सरकार और प्रशासनिक लापरवाही के चलते ये पार्किंग अब धूल खा रही है। उत्तराखंड सरकार मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में पार्किंग का निर्माण कर रही है, परंतु उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा 32 करोड़ से निर्मित मल्टी लेवल पार्किंग धूल खा रही है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने देहरादून मसूरी मार्ग में किंकरेज पेट्रोल पंप के पास मल्टी लेवल कार पार्किंग का निर्माण कराया था। 29 मार्च 2015 को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 212 कारों की क्षमता वाली मल्टी लेवल कार पार्किंग का शिलान्यास किया था। इस पार्किंग का निर्माण 2 साल में पूरा किया जाना था, लेकिन लगातार विवादों के कारण पार्किंग निर्माण 2021 के अंत तक पूरा हुआ। 20 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्किंग का लोकार्पण किया, मगर सरकार द्वारा पार्किंग को संचालित किए जाने को लेकर बनाई गई नीति पूरी तरह से फेल हो गई। उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा एक ठेकेदार को मल्टी लेवल पार्किंग के संचालन का काम दिया गया, मगर ठेकेदार को भारी नुकसान हुआ और उसने पार्किंग का संचालन बीच में ही छोड़ दिया और अब पार्किंग पूरी तरह से बंद हो गई है। इसी के क्रम में आज मैं आई हूँ यहाँ पे, इस बार दोबारा इस पे बात करते हैं। पर्यटन विभाग ने किसी को ये पार्किंग अभी अलॉट कर दी है जो कि इसको रन कराएगा, तो किस तरह से आगे बढ़ा जाए उस पे बात। पार्किंग जो किंगरेक पे पार्किंग जो बनी है, हरा हाथी कहूंगा उसे, सफेद हाथी नहीं कहूंगा, वो उसको सरकार को, प्रशासन को, पर्यटन विभाग को सोच समझकर इस प्रकार से पीपीपी मोड पे देना चाहिए कि उसका लाभ स्थानीय जनता को भी मिले, मसूरी के नागरिकों को मिले और साथ साथ पर्यटकों को भी मिले, और जो हमारी टैक्सी, जो बाहर की टेम्पो ट्रैवलर गाड़ियाँ आती हैं, बड़ी गाड़ियाँ जिनको पार्किंग की सुविधा नहीं मिल पाती है मसूरी के अंदर, उनको वहाँ खड़ा किया जाना चाहिए और ये सब जल्द से जल्द मसूरी में सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि जो किंग गेट पे पार्किंग बनाई गई है उस पर लगभग 32 करोड़ रुपये सरकार द्वारा खर्च किया गया है, जो कि बिल्कुल ही फजूल है, क्योंकि वो कम से कम 2 वर्षों से ऐसे ही पड़ी है और किसी ठेकेदार को उसका ठेका दिया गया था और वो भी वो छोड़ कर चला गया क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क नहीं हो रही हैं, क्योंकि वो पार्किंग ऐसी जगह पे बना दी गई जिसका कोई औचित्य नहीं है, जहाँ पर कोई अपनी गाड़ी खड़ी करने को तैयार नहीं है और ना ही पुलिस प्रशासन द्वारा कोई ऐसा कदम लिया जा रहा है कि वहाँ पर कम से कम बड़ी गाड़ियाँ खड़ी करी जाए, जो टेम्पो ट्रैवल आ रहे हैं उनको खड़ा किया जाए, करा जाए, वो जैसे सवारी अपने होटल में छोड़ के आते हैं और वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी कर दें, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा। और वो जो एक हरे रंग का हाथी जो है हमारे शहर के लिए खड़ा कर दिया गया, जिसका कि कोई भी यूज़ नहीं हो रहा और ये बिल्कुल पैसा जो है वो बर्बाद किया है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।